हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए। जी आपको बता दें, हरियाणा में बीपीएल परिवार की हो रही है खराब माटी। आपको बता दें, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड काटे हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से नए बीपीएल कार्ड भी बने हैं और पुराने कटे भी हैं भाई, उनकी खराब माटी किस प्रकार हो रही है और ओएपीएल से बीपीएल में भी आने का यहाँ पे आपको प्रोसेस बताएंगे। और बहुत से परिवार ऐसे थे जो कि अब अमीर से गरीब हो गए हैं और जो गरीब है वो परेशान है भाई। सीएम का आदेश है कि नई बीपीएल लिस्ट जारी की जाए। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है देखिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, पैर पकड़ पर फैमिली आईडी में दिखाई गई गलत आय को ठीक करवाने की गुहार। जी हाँ, पैर पकड़ कर यहाँ पे अपना काम बनवाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, फैमिली आईडी में आय ज़्यादा होने के कारण बीपीएल राशन कार्डों की सूची से नाम कट गया है। इस वजह से परेशान बुजुर्ग पानीपत के लघु सचिवालय में पहुँच गया जिला कल्याण अधिकारी यहाँ पे जयपाल, जो कि हुड्डा के पैर पकड़कर जल्दी फैमिली आईडी को यहाँ पे सही करवाने की गुहार लगाते दिखे। आपको बता दें, प्रदेश में जगह जगह मिल रही हैं शिकायतें। गौर हो रही है कि परिवार पहचान पत्र में आय के आधार पर प्रदेश भर में 9.6 लाख अधिक बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं। इसके बाद में प्रदेश भर में जगह जगह लाभार्थियों को ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूँ, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बने हैं और यहाँ पे कटे भी है भाई, ठीक है। और जिनके कटे हैं वे ज़्यादा परेशान हैं भाई और जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जिनके भी बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं वे जल्दी से जल्दी, जी हाँ जल्दी से जल्दी, जिनकी इनकम ज़्यादा दर्शाई गई है वो इनकम सही करवाएँ और जल्द एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं भाई, ठीक है। ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी, इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी भाई। धन्यवाद।